क्या आप लोग जानते हैं कि हर साल लाखों लोग एक ऐसी समस्या से जूझते हैं जो सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इंग्वाइनल हर्निया की। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंशुमन कौशल और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया है क्या। इंग्वाइनल हर्निया जब होता है जब पेट के निचले हिस्से की जो दीवार है वो कमजोर हो जाती है और आंत या फैटी टिश्यू उस कमजोर हिस्से से बाहर की ओर निकल आता है। इसे हम हिंदी में अंगूठा चढ़ना भी कहते हैं। ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक कॉमन है। कारण, अब सवाल उठता है कि आखिर इंग्वाइनल हर्निया होता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पेट की मांसपेशियों में कमजोरी, किसी प्रकार की चोट, भारी वजन उठाना या अत्यधिक शारीरिक श्रम करना, खांसी या छींकना जो लंबे समय तक बनी रहे, पुरानी कब्ज या पेशाब में तकलीफ, मोटापा। अगर हम बात करें कि ये किस तरह से होता है, तो जब पेट की जो दीवार है वो कमजोर हो जाती है तो आंत या जो अंदर का फैटी टिश्यू है वो उस कमजोर हिस्से से बाहर निकल आता है। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गुब्बारे में एक छेद हो और उसमें से हवा बाहर निकल रही हो। हर्निया की थैली में जो टिश्यू होता है वो अक्सर छोटा होता है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बड़ा भी होता जाता है और ये आंत को नुकसान भी पहुंचाता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन। सिम्टम्स एंड साइंस क्या हैं? अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि आपको इंग्वाइनल हर्निया है। इसके कुछ सामान्य लक्षण और संकेत हैं। ग्रोइन एरिया या जो जांग के एरिया में कोई गांठ जो खांसते समय या भारी वजन उठाते समय अधिक स्पष्ट हो जाती हो, उस क्षेत्र में दर्द या कमजोरी का महसूस करना। कभी कभी जब हर्निया बहुत बड़ा हो जाए तो पेट में दर्द या नौजिया या मितली भी हो सकती है। इसकी क्या जांचें होती हैं? इंग्वाइनल हर्निया को पहचान करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो निम्नलिखित जांच कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक परीक्षण। आपके ग्रोइन एरिया को जांचते हैं और आपसे खांसने या झुकने को कहते हैं ताकि उसमें कोई उभार देखा जा सके। अल्ट्रासाउंड, अगर क्लिनिकली स्टेब्लिश नहीं होता तो अल्ट्रासाउंड की मदद से भी इस एरिया को देखा जा सकता है। सीटी स्कैन या एमआरआई का रोल केवल दुर्लभ मामलों में होता है और ये केवल ज्यादा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज की अगर हम बात करें कि इंग्वाइनल हर्निया का इलाज क्या है, तो इसके कई विकल्प हो सकते हैं। वेट एंड वॉच, अगर हर्निया बहुत छोटा है और इसमें कोई लक्षण नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो डॉक्टर इसे केवल मॉनिटर कर सकते हैं। हर्निया ट्रस, ये एक प्रकार का सपोर्ट बेल्ट होता है जो हर्निया को अपनी जगह पर रखने में मदद करता है शुरुआती अवस्था में। सर्जरी जो है वो मेनली दो प्रकार की हो सकती है, रादर तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे ओपन सर्जरी जिसमें एक निचले हिस्से में एक चीरा लगा दिया जाता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स करके और लैप्रोस्कोप की मदद से हर्निया को ठीक किया जा सकता है, या रोबोटिक सर्जरी। अब बात करते हैं मैश के उपयोग की। आजकल हर्निया सर्जरी में मैश का उपयोग बहुत ही आम है। यह एक प्रकार का सिंथेटिक नेट होता है जिसे बॉडी के उस कमजोर हिस्से जहां हर्निया के ऊपर लगा देते हैं ताकि मजबूती हो जाए और हर्निया दोबारा ना हो। इसके बाद सर्जरी की जो रिकवरी है बहुत जल्दी होती है और दर्द वगैरह भी काफी कम होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हर सर्जरी में कुछ जोखिम होते हैं, वैसे ही हर्निया सर्जरी में भी कुछ संभावित जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन या संक्रमण, ब्लीडिंग, मैश से किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या हर्निया की रिकरेंस। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर हैं और सही देखभाल और समय पर अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये था इंग्वाइनल हर्निया के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज से न केवल इस समस्या का समाधान हो सकता है बल्कि आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।